नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी दक्षिणी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने मंगलवार को घोषणा की। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शपथ ग्रहण सोमवार 7 दिसंबर को होगा। रेड्डी को विधानसभा चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत का श्रेय दिया जाता है और वे कांग्रेस के विजय अभियान का चेहरा थे। उन्होंने कथित तौर पर 64 नव निर्वाचित विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त था। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि शपथ ग्रहण शुक्रवार को निर्धारित किया गया है। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी के प्रदेशों को गौमूत्र राज्य बताने वाले बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच उन्होंने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को लेकर बयान जारी किया है। सेंथिल कुमार ने कहा, मैंने सदन के अंदर कुछ बयान दिया था। उस समय गृह मंत्री और बीजेपी के सदस्य वहाँ थे। मैंने पहले भी अपने संसदीय भाषणों में इसका इस्तेमाल किया है। यह कोई विवादित बयान नहीं था। अगर ये किसी को आहत करता है तो मैं अगली बार इसका इस्तेमाल करने से बचूंगा। मैं ये बताने के लिए कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि बीजेपी कहां वोट पाने में मजबूत है। श्याम प्रसाद मुखर्जी के कथन को लेकर लोकसभा में मंगलवार को हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। टीएमसी नेता ने कहा था कि मुखर्जी का नारा एक देश दो विधान दो प्रधान दो निशान राजनीतिक था। इतना सुनते ही शाह अपनी सीट पर खड़े हुए और कहा, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है आपकी। एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये किया है वो गलत ही किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया है। आपकी असहमति सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। यह चुनावी नारा नहीं है। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली भाजपा में नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी बड़ा दांव खेलकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का मुखिया बना सकते हैं। सिंधिया की ताजपोशी के साथ पार्टी नेतृत्व एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा में प्रदेश का मुखिया चुनने के लिए मंथन शुरू हो गया है। चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दास शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे प्रबल दावेदारों का नाम सामने आ चुका है। एमपी के वन मंत्री विजय शाह 9वीं बार विधायक बने हैं, जिसके बाद उन्होंने पीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। विजय शाह ने जीत के बाद कहा कि उनकी नजर अब पीएम की कुर्सी पर है। खांडवा जिले के हरसुदा विजय शाह का गढ़ रहा है। यहां से लगातार 8वीं बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले आदिवासी नेता विजय शाह के बयान से सभी चौंक गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। वहीं जीत का मंत्र बताते हुए विजय शाह ने कहा कि मंत्री बनने के बाद भी उनके पैर जमीन पर हैं। वो अपने मतदाताओं से संपर्क में रहते हैं, पारिवारिक रिश्ते रखते हैं। गहलोत के विशेष कार्याधिकारी लोकेश शर्मा के अनुसार राजस्थान का नुकसान आसानी से रोका जा सकता था। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, अपने सर्वेक्षणों के आधार पर मैंने सीएम से कहा था कि उन्हें मौजूदा विधायकों को बदलने की जरूरत है और सचिन जी द्वारा उल्लेखित पेपर लीक मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी अंदरूनी कलह से उस चुनाव में पार्टी पर भारी असर डाला जिसमें हम जीत सकते थे। उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए जिसमें यह दावा शामिल था कि सचिन पायलट के फोन और वो कहां और कब जा रहे हैं इसकी निगरानी रखी गई। उन्होंने कहा, ये निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान है कि वो कहां जा रहे थे, किससे मिल रहे थे, किससे बात कर रहे थे, इस पर नजर रखी गई थी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज कहा कि कुछ पूर्व विधायकों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने गाँव में 50 वोट भी नहीं मिले। उन्होंने मध्य प्रदेश के नतीजों पर आश्चर्य व्यक्त किया लेकिन चुनावी कदाचार का आरोप लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ ने कहा कि वो पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करेंगे।
कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ ने कहा कि वो पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए पार्टी उम्मीदवारों जो जीते हैं और जो हारे हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा, बिना चर्चा किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, मैं पहले सभी से बात करूंगा। राजस्थान में एक प्रमुख राजपूत नेता की आज उनके जयपुर स्थित घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी की उनके साथ चाय पीने के तुरंत बाद तीन लोगों ने करीब से गोली मारकर हत्या कर दी। गोगा मेडी और उनके दो सदस्यों को गोली लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां गोगा मेडी को मृत घोषित कर दिया गया। गोगा मेडी के नेतृत्व वाला संगठन राजपूत करणी सेना से अलग है, जिसने बॉलीवुड फिल्म पद्मावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नेतृत्व किया था। वास्तव में गोगा मेडी 2015 में लोकेंद्र सिंह कालवी के नेतृत्व वाली करणी सेना से अलग हो गए थे और अपना संगठन बना लिया था। भाजपा की चुनावी जीत के पीछे ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के तुरंत बाद कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने चुनावी कदाचार के आरोपों को दोगुना करने के लिए एक्स पर एक नया पोस्ट डाला है। कांग्रेस सांसद ने दो स्क्रीनशॉट साझा किए हैं, एक फेसबुक से और दूसरा भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट के रिजल्ट पेज से। उन्होंने कहा कि इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बीजेपी पदाधिकारी लिखते हैं कि खाचरौद विधानसभा सीट पर प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और कितने अंतर से मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पोस्ट मतगणना से दो दिन पहले की है, 1 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली। दरअसल फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ बगैर अनुमति के भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए मामले में चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग ने तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में तबाही शुरू कर दी है। नेल्लोर और कावली के बीच मिचोंग ने दस्तक दी। मिचोंग की हवा की गति गंभीर चक्रवाती स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि मिचोंग तूफान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। इस बीच चेन्नई में बारिश से अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। इस चक्रवाती तूफान के कारण चेन्नई में भारी बारिश हुई है और जिससे शहर जलमग्न हो गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।